किसान भाइयों, हम उसी बगीचे में हैं जो वीएनआर फार्म पे स्थित है। वैरायटी का नाम वीएनआर भी ही है। यहाँ पर हमने मल्चिंग प्राकृतिक चीज़ों के सहयोग से करी है। जैसे अगर आप देखें तो नीचे की तरफ इसमें पुआल बिछा हुआ है और ऊपर की तरफ मक्के के डंठल पड़े हुए हैं। ऐसा हमने क्यों किया है? प्लास्टिक की भी मल्चिंग उपयोग की जाती है, लेकिन चूंकि फार्म पे हमारे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो प्राकृतिक हैं और जिनको मल्च के रूप में उपयोग करते हैं, इसलिए हम प्राकृतिक चीज़ों को उपयोग करने में हमने उचित समझा और हम इस तरह की मल्चिंग का उपयोग कर रहे हैं। मल्चिंग की आवश्यकता क्या है? मल्चिंग की आवश्यकता है कि हम पौधे के क्षेत्र में मिट्टी पे जो नमी का वातावरण है उसको लंबे समय तक मेंटेन कर सकें। पौधे को अगर हम कम पानी भी दें तो वो पानी वाष्प बन के हवा में उड़ ना जाए और वो पौधे को लंबे समय तक उपलब्ध रहे। दूसरा मल्चिंग का फ़ायदा ये है कि इससे घास या खरपतवार नहीं उगते, काफ़ी मात्रा में इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो ऑर्गेनिक मल्च हमने उपयोग करी। ऑर्गेनिक मल्च में हमने धान का हमारी फसल कटी, धान की फसल का हमने पुआल लिया और उस ये पुआल चूँकि गर्मी में तेज़ हवा और आंधी में उड़ जाता था और हमें ट्रैक्टर में बूमर लगा के इस पर बार बार पानी का छिड़काव करना पड़ता था, जिससे कि हमें अतिरिक्त खर्च आता था। उस खर्च को बचाने के लिए हमने एक नई विधि का उपयोग किया कि हमने इस पुआल के ऊपर में मक्के की डंठल और मक्के का वेस्ट डाला, ऑर्गेनिक वेस्ट, जिसकी वजह से इसके ऊपर थोड़ा सा दबाव बना और अब तेज़ हवा में भी ये ऑर्गेनिक मल्च उड़ती नहीं है। और इससे हमें ये धीरे धीरे सड़ के बारिश के मौसम में ये खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, जो कि हमारे खेत के लिए एक एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा। ड्रिप की अगर पोजिशनिंग आप देखेंगे तो ये पौधा 2012 का लगाया हुआ है, आज इसको तकरीबन 6 वर्ष होने को जा रहे हैं। और अगर ड्रिप को देखें, तने से ड्रिप की दूरी देखें, तो ये ड्रिप देखिए उधर से होके आ रही है, यहाँ पर है, यहाँ से करीब 15 से 18 इंच की दूरी पे ड्रिप की पोजीशनिंग है। कारण क्या है कि ड्रिप को हम थोड़ा सा दूर खिसकाते रहते हैं, इसलिए कि पौधा नए क्षेत्रों में अपनी जड़ों का विकास कर सके और पेड़ मजबूती के साथ में बेड में पकड़ के अपने को चल सके। तेज़ हवा आंधी तूफान में अगर जड़ें मजबूत हैं तो तेज़ हवा आंधी तूफान में पौधा गिरता नहीं है, और उसके अतिरिक्त क्या है, एक बड़े नमी के क्षेत्र से वो अपना पोषण उपलब्ध कराता है और इसकी वजह से पेड़ की स्वास्थ्य भी बेहतर रहते हैं और पेड़ पे अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी के फल भी प्राप्त होते हैं।